हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिजिक्स में एटम और न्यूक्लियस यानी परमाणु और नाभिक चल रहा था और आपका थ्योरी बता दिए। लगभग 6 क्लास थ्योरी चला, आज से आपका 7वां क्लास है और 7वां क्लास से आपका 3-4 क्लास चलेगा ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव चलेगा। और एक एक क्वेश्चन कॉपी पे लिखते जाइएगा। और रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से लेके के अंत तक देखिए, यानी शुरू से लेकर के अंत तक स्किप नहीं करना, एकदम एक एक पॉइंट को समझ के लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन है। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब कर लेना। और हर एक संडे को, बृहस्पतिवार को पैरामेडिकल का और BCC और JCC का जो फॉर्म भरे हैं ना, उनका टेस्ट होता है संडे को शाम में डेली, हर प्रत्येक संडे को। और जो अगर अगल बगल आपके होंगे पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट, तो उनको भी बता दीजिएगा कि पैरामेडिकल का टेस्ट होता है बृहस्पतिवार को और BCC का संडे का। तो देखिए आप लोग का BCC का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब लिखते जाइएगा। पहला है कि लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, यानी लाइमन श्रेणी जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो कौन सा क्षेत्र में पाई जाती है, तो वह पाया जाता है पराबैंगनी क्षेत्र में। और जब ऐसे ही खत्म होगा एटम और न्यूक्लियस का चैप्टर, वैसे ही हम बता देंगे BCC में जो पूछा गया क्वेश्चन है ना, 2000 से लेकर के 2019 तक जितना पूछा है ना, सब बता देंगे एक चैप्टर का। उसके बाद दूसरा है कि परमाणु की अमाप की कोटि है, यानी कहने का मतलब अमाप मतलब होता है कि परमाणु के साइज कितना होता है अमाप पे, यानी परमाणु के साइज की कोटि कितनी है। तो 10^-10 m कितना, 10^-10 m। उसके बाद कि कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है, किस क्षेत्र में, तो दृश्य क्षेत्र में आती है। तो आ जाएगा आपका बामर श्रेणी। कौन सा श्रेणी, बामर श्रेणी, सब लिखिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। और टेस्ट जितना पढ़ाते हैं उसी का टेस्ट लेते हैं, जैसे ही खत्म होगा एटम और न्यूक्लियस ना, वैसा ही टेस्ट लेंगे, जितना पढ़ाएंगे उतना, फिर भी नहीं बनाता है लोग, पता नहीं। उसके बाद देखिए चौथे नंबर में है कि परमाणु के तृतीय कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, मतलब कितना ऊर्जा चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को परमाणु के तृतीय कक्षा से बाहर निकाला जा सकता है। तो चाहिए आपको 13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। याद रखिएगा कि पॉजिटिव में 13.6 × 9 यानी बट्टा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद है कि बेरिलियम परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या यदि ए है, बेरिलियम परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या जो है ए है, तो द्वितीय कक्ष की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको बताए थे कक्ष को किससे सूचित करते हैं, से, तो दूसरे कक्षा 2n, तीसरे कक्षा 3n, तो n स्क्वायर भी होगा, तो n स्क्वायर ए ओ हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद हीलियम के द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए, हीलियम के द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए आयनन विभव है, आयनन विभव कितना है, तो वो है 5.4 यानी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद है कि हाइड्रोजन परमाणु की आर त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु की आर त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, कितना होगा, तो हो जाएगा आपका e^2 यानी e^2/2r। इसको कभी कभी ऐसे लोग भी पढ़ते हैं e^2, तो कोई बात नहीं, e^2/2r। उसके बाद है कि किसी इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा, क्या कह रहा है, कि किसी इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग कितना होता है, तो होता है n^h/2π, लिख लीजिएगा n^h/2π।
टू पाई। उसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो परावैगनी क्षेत्र में प्राप्त होता है कहलाता है। कह रहा है क्या कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो परावैगनी क्षेत्र में प्राप्त होता है वो कौन सा श्रेणी कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका लाइमन श्रेणी। उसके बाद है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल, बोहर मतलब इसको गलत नहीं समझिएगा, बोहर जिसको आप लोग पढ़े हैं बोर मॉडल, तो बोर मॉडल को ही बोहर मॉडल भी कहा जाता है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है कि सर गलत लिख दिए, बोर मॉडल ही बोहर मॉडल एक ही है। तो बोहर मॉडल में निम्नतम कक्षा में होती है, यानी कह रहा हाइड्रोजन परमाणु जो है ना कि बोहर मॉडल में न्यूनतम कक्षा यानी सबसे कम कक्षा होती है। क्या होता है सबसे कम कक्षा में? तो न्यूनतम ऊर्जा होता है। उसके बाद कि बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है ना वह उसकी कुल ऊर्जा से अनुपात होगा। यानी कह रहा है कि बोहर कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसकी गति ऊर्जा है ना, और जो पहले से कुल ऊर्जा होती है और एक गति ऊर्जा होती है, इन दोनों से कितना अनुपात है? तो है -1। उसके बाद यदि एक इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा से, एक इलेक्ट्रॉन यदि प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा में डायरेक्ट कूद जाता है तो क्या परिवर्तन होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है। यानी जब ये वो इलेक्ट्रॉन है और प्रथम कक्षा में घूम रहा है और घूमते घूमते वो तीसरी कक्षा में घुस जाए तब उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। उसके बाद कि बोहर सिद्धांत के अनुसार, यानी बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्ष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के संवेग का आघूर्ण होगा, इलेक्ट्रॉन के संवेग का आघूर्ण होगा कितना? तो एच बट्टा पाई, लिख लीजिएगा एच बट्टा पाई। उसके बाद है कि हाइड्रोजन परमाणु को मूल अवस्था में, हाइड्रोजन परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। यानी हाइड्रोजन परमाणु एक जगह बैठा हुआ है उसको उत्तेजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितना चाहिए? तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बीसीसी आपको निकालना है तो वीडियो पूरा देखना है और एक एक बात लिखते जाना है, तभी बीसीसी 2020 आपका पक्का सिलेक्शन। उसके बाद है कि 1 ग्राम यूरेनियम के तुल्य ऊर्जा है, यानी 1 ग्राम जो यूरेनियम है उसका ऊर्जा कितना है? तो 9.0×10^13 जूल। इस सब लिखते जाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद देखिए 16 नंबर कह रहा है कि एच परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, कैसा होता है? उदासीन होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। उसके बाद है कि अस्थाई कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? अस्थाई कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो नील बोहर ने, यानी नील बोहर, यहाँ पे समझिएगा नील बोहर, यानी इसको पढ़ सकते हैं नील्स बोर्स, पढ़ा है ना नील्स बोर, तो वही चीज है, किसने प्रस्तुत किया? नील बोहर। उसके बाद है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी में अधिकतम तथा न्यूनतम, लाइमन श्रेणी में अधिकतम तथा न्यूनतम तरंग दैर्ध्यों का अनुपात होता है, कितना होता है? तो 4/3। दोनों अधिकतम, लाइमन श्रेणी के अधिकतम और न्यूनतम, एओ का अधिकतम लीजिए, एओ का न्यूनतम, दोनों का मान रख के देखिए 4/3 आ जाएगा। उसके बाद है कि चिरस्मत मत से रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पथ होता है, तो कैसा होता है?
तब कुंडली निवत होता है, यानी कुंडली कुंडली बना होता है। उसके बाद है कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु में होता है। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन जो था वो प्रयोग क्या दर्शाता था, वो क्या बताता था कि परमाणु में होता है, तो क्या होता है, नाभिक। उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्वरण है, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्वरण है कितना, तो एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बट्टा फोर पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू आर क्यू लिख लीजिएगा। उसके बाद है कि प्रथम बोहर कक्षा में, यानी प्रथम बोल्स नील्स बोर ने बनाया था ना, अपना परिमाण दिया था, तो उसी को कह रहा है कि प्रथम बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक थे, डी ब्रोगली तरंग दैर्ज्य होता है, क्या होता है, तो प्रथम कक्षा की परिधि के बराबर होता है। यानी डी ब्रोगली ने एक तरंग दैर्ज्य का सिद्धांत दिया था उसका, और नील्स बोर का प्रथम जो दिया था कक्षा उसका, दोनों में क्या होता है कि प्रथम कक्षा के परिधि के बराबर होता है, किसके, तो डी ब्रोगली के तरंग दैर्ज्य के बराबर। अब उसके आगे है, उसके बाद है कि बामर श्रेणी की दूसरी रेखा का रंग है, यानी बामर श्रेणी के जो दूसरा रेखा उसका रंग कैसा है, तो उसका रंग जो है वो है नीला, कैसा है, नीला। आई इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए, लिख लीजिएगा बीसीसी एग्जाम। उसके बाद है कि किसी संख्या में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के आवर्त काल एवं इसकी कक्षा संख्या के संबंध क्या होता है, यानी जब कोई कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका आवर्त काल एवं उसका कक्षा संख्या के बीच संबंध क्या होता है, तो क्या संबंध है, एन के पावर 3 यानी एन क्यू का। उसके बाद कह रहा है कि रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए नाभिक के, यानी रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए नाभिक के कण मिलाया जा सकते हैं, यानी कौन सा नाभिक का कण मिलाया जा सकता है, तो वो है आपका न्यूट्रॉन। उसके बाद है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा लगभग होता है, तो कितना होता है, 10^17 जूल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए, सब इंपॉर्टेंट है, सब लिखना है आपको। उसके बाद है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा तुल होता है, नाभिक के बंधन ऊर्जा तुल, यानी ऊर्जा के क्या होता है, तो नाभिक के द्रव्यमान की क्षति होती है, क्या होता है, नाभिक के द्रव्यमान की क्षति होती है। उसके बाद है कि 1 माइक्रोग्राम, तो समझिएगा, कह रहा है 1 माइक्रोग्राम पदार्थ द्वारा प्राप्त ऊर्जा होता है, तो कितना ऊर्जा प्राप्त होता है 1 माइक्रोग्राम पदार्थ द्वारा, तो 9×10^10 जूल, सब लिखिए। उसके बाद है कि एक इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होता है, तो कितना होता है, 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना, 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद है कि न्यूट्रॉन के द्रव्यमान समान होता है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान समान होता है, किसके समान होता है, तो प्रोटॉन के समान होता है। उसके बाद है कि प्रति न्यूक्लियॉन द्रव्यमान क्षय कहलाता है, प्रति न्यूक्लियॉन द्रव्यमान क्षय कहलाता है, क्या कहलाता है, संकुलन गुणांक कहलाता है, क्या कहलाता है, संकुलन गुणांक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका नाभिक और एटम, यानी परमाणु और न्यूक्लियस का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका क्लास 7 था, वीडियो नंबर 7, चैप्टर नंबर आपका मॉडर्न से दूसरा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो इस बार बीसीसी का एग्जाम देने वाले हैं।
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।